हेलो एवरीवन, वन सेकेंड, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। इस एकेडमी पर आपको लगातार जो भी नए नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड या पैरामेडिकल स्टाफ नीट एग्जाम या जो भी करंट टॉपिक्स, जो भी न्यूज़ चल रही है, उनके अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो देखिए, आज भी एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे उन्होंने फार्मेसी करी है, चाहे उन्होंने स्टाफ नर्स का कोई कोर्स किया है या रेडियोग्राफी का कोर्स किया है या एक्सरे में कोई कोर्स किया है, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा जरूर एंड तक जरूर देखिए। तो आइए मैं लेकर चलती हूँ, क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी आई है आप सबों के लिए और क्या नई जानकारी आई है आप सबके लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि यदि उनके पास भी ये डिग्री या डिप्लोमा है तो वो भी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, बिल्कुल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आया है। और इसकी जो एग्ज़ाम होगी, इसकी रिटर्न एग्ज़ाम, अब जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो आपकी 20 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप घबराइएगा मत, अभी डेट इसकी काफ़ी बाकी है। जो क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 31 अगस्त, ये ध्यान रखिए 31 अगस्त है। और जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है इसकी, आपके पास काफ़ी टाइम है इसको प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम को, तो 20/12/2020 इसकी एग्ज़ाम डेट दी हुई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ द ग्रुप बी एंड सी नॉन मिनिस्ट्रल नॉन गेजेटेड कॉम्बिजिस्ट पैरामेडिकल स्टाफ इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑन ऑल इंडिया बेसिस। द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू बिकम परमानेंट। द वैकेंसीज आर, देखिए तो इसमें ये बताया गया है कि अभी जो वैकेंसीज है ये परमानेंट नहीं है, बट इन्हें परमानेंट किया जा सकता है। बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट ऐसी होती है कि मान लीजिए 2 साल के लिए रखा, लेकिन बाद में उनको ही परमानेंट कर दिया जाता है। तो यदि आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा है, कहीं पर भी आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन सा क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो देख लेते हैं, इंस्पेक्टर डायटिशियन की निकली है, जिसके पास डायटिशियन का जिन्होंने कोर्स किया है उनके लिए आई है ये वैकेंसी। तो इसका देखिए आप स्केल, जो पे स्केल है वो भी काफ़ी अच्छी सैलरी इस पर मिल रही है, सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है। और इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। तो BSc होना चाहिए, BSc नॉर्मल वाला BSc नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होम साइंस में BSc होना चाहिए या होम इकोनॉमिक्स में, विथ न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, कहीं से भी होना चाहिए। या फिर आपके पास होना चाहिए यहाँ पे डिप्लोमा इन डाइटिशियन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज बाय एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और मास्टर डिग्री इन होम साइंस, यानी होम साइंस का आपके पास में डिप्लोमा या आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें एज की बात करते कि बिलो 30 ईयर्स, 30 साल से कम होना चाहिए, और रिलैक्सेशन मिल रहा है इसको जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो पहले से कहीं पर जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको दिया जा सकता है यहाँ पे 45 साल तक, और इसकी भी क्लोजिंग डेट है 31 साल। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें देखिए काफ़ी सारी पोस्ट हैं, इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी डाइटिशियन की उसमें एक पोस्ट थी, लेकिन इसमें 81 पोस्ट आई है और काफ़ी अच्छी सारी कैटेगरी में इसकी काफ़ी सारी पोस्ट है, और इसका भी जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा है। देखिए 35,000 प्लस है और ग्रेड पे मिलकर आपको 40,000 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मिल सकता है। क्या क्या डिग्री चाहिए इसमें ये देख लेते हैं। तो 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सेंट्रल बोर्ड से हो आप। उसके बाद होना चाहिए आपके पास पास विद 3.5 ईयर्स कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसलिंग। तो देखिए आपके पास में GNM या ANM वाला जो कोर्स यहाँ पर मांगा गया है, रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। तो देखिए मैं काफ़ी सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, यदि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, तो उसको आप सेंट्रल नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन उसका ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आप तुरंत फिर इस काम को नहीं करवा पाएंगे, तो जैसे ही आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होता है, जो स्टूडेंट अभी रनिंग है यदि वो देख रहे हैं, तो जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट होती है आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए। इसकी एज की बात करें तो इसकी भी जो एज है वो 30 ईयर्स है, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें दिया जा सकता है। इसकी भी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 अगस्त है। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं हम, सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, यानी रेडियोग्राफी का कोर्स आपको किया हुआ होना चाहिए। 4 वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी की है, इसमें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।
इसके भी सैलरी पैकेज की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। देखिए लेवल 6 का दे रहा है ये आपको 35,400 और उसके बाद कुछ ग्रेड पे वगैरह मिल जाएगा। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इंटरमीडिएट और 10+2 विथ साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट, डिप्लोमा होना चाहिए या कोई भी 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास रेडियोग्राफी। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आती कि मैम हमने 12th इस कोर्स से किया है तो अब क्या करें, तो ये छोटे छोटे कोर्स भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पाते हैं। यदि आपके पास में आप कैपेबल नहीं है, जैसे BSc नर्सिंग 4 साल का होता नहीं कर पा रहे, तो आप ये एक दो साल के जो डिग्री कोर्स होते हैं ये ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है और ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल होते ही नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं यदि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो ईजिली उनका सिलेक्शन हो जाता है। और इनकी भी सैलरी की बात की जाए तो देखिए 35,000 से 40,000 और जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा अप्रॉक्सीमेट 50,000 के लगभग आपको सैलरी मिल जाएगी। और देखिए आपकी क्वालिफिकेशन भी कितनी कम है, 12th करने के बाद आपको 2 साल का ही डिग्री कोर्स यहाँ पर करना पड़ेगा और इसके साथ चाहे तो आप किसी बड़ी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपको टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, 12th के बाद आप 2 साल कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद ही आपकी जॉब लग जाएगी। बस आपकी जो एज है वो उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पर एज दी हुई है बिलो 30 ईयर्स और सेम वही कंडीशन है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया, यानी 40 साल तक जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की, तो इसमें भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है, 35 वैकेंसी आई है टोटल सारी कैटेगरी में है। इसका भी जो लेवल है 29,200 और फिर ये नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ग्रेड पे दिया है और टोटल ये जो स्टार्टिंग सैलरी, अब आपको यहाँ पर आप बताएंगे मैम 2 सैलरी दी हुई तो ये इनिशियल सैलरी दी हुई और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता जाता है ये सैलरी यहाँ तक पहुँच जाती है। तो देखिए काफ़ी अच्छा पैकेज दिया हुआ है आपको, तो इसमें आपको 12th पास आउट होना चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आप करा है। उसके बाद आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपका किया हुआ होना चाहिए। मिनिमम एज की आप यहाँ बात करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम तो 20 से 25 साल एज मानी गई है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं फिजियोथेरापिस्ट, तो इसमें 2 ही वैकेंसी आई है, इसकी भी फार्मासिस्ट की अप्रॉक्सीमेट ही सैलरी है यहाँ पर, इसमें भी 12th होना चाहिए, उसके बाद में जो आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरापी में, यानी 3 साल का है तो आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो और 20 से 25 साल इसकी एज मानी गई है, वो निकल चुकी है, यानी ये जो अब 2, 1, 8 ये वाले कोर्सेज की डेट निकल चुकी है। बाकी ऊपर वाले जो कोर्स है जो भी कैंडिडेट के पास फार्मेसी में डिप्लोमा है या जिन्होंने नर्सिंग किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है आपको कैसे क्या फॉर्म भरना है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, इसे आपको चूकना नहीं। अभी आपके पास में डेट है 31 तारीख तक, तो बिफोर लास्ट डेट का वेट किए अपना फॉर्म अप्लाई कर दिए जिनकी भी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट है। तो इस टाइप की नई नई वैकेंसी और साथ ही जो भी साथ ही आपको ANM GNM की प्रिपरेशन भी इस एकेडमी पर करवाई जा रही है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।